हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन दिन पहले दरभंगा टावर के पास बड़ा बाजार सोना लूट कांड का उद्भेदन करने का पुलिस ने दावा किया। हालांकि सोना की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन इस कांड को अंजाम देने वाले, प्लान करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक सोनार भी है जो सोना का काम करता था। लहरियासराय के एक दुकान में वह काम करता था और वहीं से सोना खरीदने व अलंकार ज्वेलर्स पवन लाठ के यहाँ जाया करता था, जहाँ ज्यादा सोना देखने के बाद उसके मन में लालच पैदा हुआ और धीरे धीरे यहीं से प्लान की बीज का उपज हुआ और उसने अपने साथियों को जोड़ा और धीरे धीरे ये जो तार है हाजीपुर से लेकर मधुबनी जयनगर तक बना और अंततः 9 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया। इसने करोड़ों रुपया के सोना लूट कांड में पुलिस की टीम ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। धीरे धीरे कड़ी सुलझाते हुए आलोचनाओं की बौछार के बीच अंततः आधी सफलता तो उसने प्लान जो था उसका उद्भेदन कर दिया। अलग बात है कि सोना यहां से निकल गया है और इसमें शामिल हाजीपुर मधुबनी जयनगर गिरोह के 9 लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे। 7 दरभंगा के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी 7 दरभंगा शहर बीचों बीच के हैं। देखिए ये घटना, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, हम उस दिन का दृश्य यह दिखाते हैं बार बार। ये अब जो रहस्य उद्घाटन किया है पुलिस ने, ये 9 लोगों को बुलाया गया था हाजीपुर जयनगर और मधुबनी से और 8 तारीख को ये लोग आ गए थे मदारपुर मौलागंज में। ये लोग यहाँ ठहरे थे, रात का खाना यहीं खाया, आराम यहीं किया, सुबह 5 बजे NH पर निकल गए, NH के रास्ते से ही आए और सोना लूट कर ये लोग चलते बने। ये अपराधी पुलिस ने जो रहस्य उद्घाटन किया है, ये बाहर के हैं अपराधी, दोनों हाथों में पिस्तौल लहराते हुए और अंतिम तक ये देखिए आखिरी अपराधी, और ये सभी निकल गए। लाइनर का काम यहां के लोगों ने किया, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने प्रमाण के साथ पकड़ा है, लेकिन बरामदगी नहीं हुई। SSP बाबूराम ने आज मीडिया के समक्ष 72 घंटे बाद 7 को हाजिर किया और कहा कि पुलिस ने इसका रहस्य उद्घाटन कर लिया है। ठीक कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दरभंगा पर फोकस किया और अंततः पुलिस को आधी सफलता, जो रहस्य उद्घाटन करना था, प्लान जानना था, उसके बारे में विस्तृत रूप से सरकार को जानकारी दिया। जो STF की टीम लगी थी, CID की टीम लगी थी और बार बार IG अजिताभ कुमार कह रहे थे कि सुराग मिल गया है और उसका प्रमाण इन लोगों ने, पुलिस टीम ने रखा मीडिया के सामने। 3 दिनों के बाद अंततः इन 7 लोगों को, जो 1 दर्जन लोग हिरासत में लिए गए थे, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया के समक्ष इन लोगों को पेश किया गया। बताया जाता है, जो SSP बाबूराम ने बताया, कि ये जो कन्हैया शाह हैं, मदारपुर के रहने वाले, ये पहले लहरियासराय के एक सोने चांदी की दुकान में कारीगर का काम करते थे। उसी क्रम में अलंकार ज्वेलर्स के यहाँ ये सोना चांदी खरीदने आते जाते थे दुकान के लिए। बाद में अपनी दुकान खोलने के बाद भी ये आना जाना जारी रखा इन्होंने और अंततः दुकान में भारी मात्रा में ज्वेलरी का पता जब इनको चला कि यहाँ जहाँ से सोना आ रहा है, तो मन में यही लालच पनपा। 4 माह पहले इनका संपर्क जयनगर मधुबनी के एक सातीर अपराधी दिनेश यादव से हुआ, जिसे इन्होंने अपने ही मोहल्ले में कमरा किराए पर दिला दिया। दिनेश यादव की मदद से ये अपराध की योजना बनाने लगे 4 माह पहले से, कोरोना काल के समय से ही। खाली समय में प्लान बनाते थे। इनकी दुकान का कारीगर, जो इन्होंने अपनी दुकान खोली थी, केशव कुमार शाह को भी इन्होंने अपने प्लान में शामिल कर लिया, रातों रात करोड़पति बनने का सपना। धीरे धीरे इनको लगा कि ये काम ये 2-3 लोगों से नहीं कर सकते हैं, तब इन्होंने अपने मित्र भूषण सहनी को मिलाया।
भूषण सहनी भी इसी मोहल्ले के हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि भूषण सहनी के रिश्तेदार मनीष सहनी, जो नरवाज चौक हाजीपुर के हैं, सोना लूट के बड़े कांड को अंजाम दे चुका था और यहीं से मामले ने टर्न लिया। उसके पास हथियार, आदमी तथा अनुभव सभी कुछ था। भूषण सहनी ने मनीष सहनी तथा उसके साथियों को मदारपुर दरभंगा बुलाया, लहरियासराय थाना अंतर्गत मदारपुर, और यहां कन्हैया सा और अन्य साथियों से एक बैठक कराई। अपराध की योजना के अनुसार पहले दुकान, बाजार तथा रास्तों की रेकी की गई। लगातार रेकी के बाद अंतिम रेकी 8 तारीख को घटना से कुछ घंटे पहले की गई। मौसम खराब था, इसलिए बिल्कुल अनुकूल मौसम माना गया। बाजार में भीड़ भाड़ थी और इसी कारण प्लान बनाया गया कि किस तरह कहां गाड़ी लगानी है। 8 तारीख को सभी अपराधी मदारपुर आकर मंडल लॉज गए, रात यहीं बिताई, यहीं खाना पीना खाया। रात में पुनः एक बार दुकान तथा बाजार की रेकी की और 9 तारीख की सुबह 5 बजे ये बाहर के अपराधी, जिसमें 6 हाजीपुर के और 3 जयनगर मधुबनी के थे, ये लोग पूरे प्लान के साथ एनएच की ओर फ्रेश होने चले गए। चाय नाश्ता किया और पूर्व निर्धारित समय, जहां फिक्स था दुकान खुलने का समय, अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग यहां पहुंचे। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी अपराधी पूर्व निर्धारित स्थानों पर रहकर पुलिस के मूवमेंट पर भी नजर रख रहे थे। बाहर जिला से आए अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया तथा उसके बाद अलग अलग रास्ते से ये लोग लौट गए। अनुसंधान में पुलिस ने पाया है कि ये 7 स्थानीय अपराधी हैं, 6 हाजीपुर से और 3 जयनगर मधुबनी के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इनमें से मनीष सहनी हाजीपुर तथा इसके गिरोह के कई अन्य लोग पहले से भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इनकी तलाश झारखंड पुलिस तक कर रही है। जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये आपके शहर के चौंकने वाली बात कि बीच शहर में ये प्लान बना। भूषण सहनी मदारपुर के, कन्हैया कुमार ये जो जिन्होंने पहले सुनार का काम किया और बाद में अपनी दुकान खोल ली, केशव कुमार जिसको शामिल किया, दुकान पर काम करते थे, मदारपुर के, राजकुमार ये भी मदारपुर के, पवन कुमार ये भी मदारपुर के, गणेश कुमार मुगलपुरा के और राजू उर्फ साका उर्फ कोठिया ये मौलागंज के हैं। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 200 ग्राम गांजा, 20 पत्ता नशे की गोली, घटना में उपयोग किए गए 2 पल्सर मोटरसाइकिल और घटना में उपयोग किए गए 5 मोबाइल सेट ये बरामद कर लिया है पुलिस ने। इसके अलावा हेडक्वार्टर से सीआईडी की टीम, एसटीएफ की टीम और एक्सएल की टीम भी लगातार यहाँ कैंप की हुई थी। संयुक्त रूप से काम करते हुए 3 दिन के अंदर हम लोगों ने कांड को विभेदन में सफलता प्राप्त की है और 7 स्थानीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य जो लाइनर है, सुनार का काम करता है, वो भी शामिल है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि हाजीपुर जिला से 6 अपराधी और जयनगर मधुबनी से 3 अपराधी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की प्लानिंग 4 महीने पहले से की जा रही थी। जो मुख्य लाइनर है, एक सुनार का काम करने वाला, उसी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और जयनगर से एक अपराधी को यहाँ पर बुलाया और अपने मोहल्ले में किराए के कमरे पर रखवाया। लेकिन ये लोग इस घटना को अंजाम देने में सक्षम नहीं हुए, तब इन्होंने हाजीपुर के अपराधियों से संपर्क किया और वहाँ का जो गैंग है वो पहले से ही कई ऐसे मामलों को पहले अंजाम दे चुका है। झारखंड की धनबाद और रांची पुलिस को भी उनकी तलाश है। इसके अलावा स्थानीय थाना में उनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। गैंग को यहाँ पर बुलाया गया 1 महीने से और कई बार उन्होंने आके यहाँ पर रेकी की और पहले से निर्धारित योजना के अनुसार 8 तारीख को ये लोग रात में यहाँ आ गए थे और मदारपुर मोहल्ले में ही इन्होंने रात में कुछ टाइम तक शरण ली। सुबह में 6 बजे अर्ली मॉर्निंग निकल कर फिर से एक बार बाजार की रेकी की और फिर निर्धारित समय पर घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के लिए जो अंदर घुसे वो सभी बाहर के अपराधी थे, बाहर जिला से आए हुए, और जो स्थानीय अपराधी थे उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखी और इस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया। 72 घंटे से लगातार चौतरफा पुलिस ताबड़तोड़ छापामारी कर रही थी, चाहे वह हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, जयनगर मधुबनी हो, और अंततः पुलिस को ये आंशिक सफलता तो मिली,
माना जा सकता है, लेकिन पूर्ण सफलता तभी कही जाएगी जब सामान की बरामदगी होगी। सूत्र की माने तो पुलिस ने पहले दिन ही ये पता लगा लिया था, लेकिन फूक फूक कर कदम रख रही थी। पुलिस का मानना था कि गोपनीय तरीके से रखकर जिन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया, जो सोना लूटकर चले गए, उन्हें पकड़ने की जरूरत है, लेकिन अंततः पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। सीआईडी के एसपी, डीआईजी दोनों यहां पहुंचे। शैलेश कुमार सिन्हा एसपी ने 2 दिन यहां रहकर तो डीआईजी रत्नमणि संजीव भी लगभग 1.5 दिन रहकर समीक्षा की। एसटीएफ की टीम भी काम कर रही थी, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, एफएसएल की टीम भी छानबीन की और अंततः पुलिस को ये आंशिक सफलता मिली। ये तो पता चला कि 6 अपराधी हाजीपुर से आकर दरभंगा शहर के मोगलपुरा के एक लॉज में रात बिताया, वहीं खाना खाया, आराम फरमाया और सुबह एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में गए, जहां उस दिन उनका दिन था और उस दिन इन्होंने जनता और पुलिस को मात दी। हालांकि जनता ने उस दिन भी बहादुरी दिखाई, 2 बैग लूटने में एक दुकानदार और सहयोगियों ने छीन लिया, 1 बैग लूटकर चलते बने, जिसमें लगभग 12 किलो सोना, लाखों के हीरे जवाहरात और नकदी थी। सूत्र के अनुसार बीटीए न्यूज लगातार कह रहा है कि लूट का जो यह सामान है प्राथमिकी, उससे ज्यादा की लूट हुई है। कई तकनीकी पेचीदगी है जिसके कारण एफआईआर में जो दर्ज है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नकदी लाखों में और जो सोना है वह भी ज्यादा भारी था। जो सोना ले जा रहा है बैग व्यक्ति, आप उसे देखकर भी अंदाज कर सकते हैं कि यह 12-14 किलो नहीं है, उसकी बोझ से वह दबा हुआ है, जिसे सुरक्षा प्रदान करने में 3 अपराधी उसे निकालने में लगे हुए हैं। प्लान के मुताबिक सभी अपराधी यहां न शरण लेकर निकल जाना था इन लोगों को, और उसके बाद माल बंटवारा होता, लेकिन यहां किस्मत खराब इन अपराधियों का, जो लोकल स्थानीय लाइनर हैं, जो सोनार थे, जो दुकानदार थे, जिन्होंने घटना का बीज बोया था, प्लान किया था, वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और इसमें कामयाबी मिली सीसीटीवी फुटेज जो व्यापारियों ने अलग अलग लगा रखा था, यह काम आया। हुलिया पता किया, उसके बाद अन्य अपराधियों के दिए गए निशानदेही पर पता चला कि ये अपराधी हाजीपुर के हो सकते हैं, जिन्होंने कई सोना लूटकांड को अंजाम दिया है। और उसके बाद पुलिस वहां तह तक पहुंची, फिर उसके रिश्तेदार का पता लगाया गया और अंततः उसमें से एक रिश्तेदार का पता चल गया, मोबाइल फोन खंगाला गया। हालांकि सबसे बड़ी बात जो अभी तक सामने आ रही है कि इन अपराधियों ने जो लूट के दरमियान या तो मोबाइल नहीं रखा या स्विच ऑफ कर दिया, यानी पूरा प्लान था कि सर्विलांस के सहारे ये पकड़े न जाए। इन स्थानीय अपराधियों को भी सिर्फ सहयोग और छानबीन के लिए कहा गया था और ऑपरेशन के दरमियान सिर्फ बचाव के लिए इनको लगाया गया था कि कहीं अनहोनी हो तो ये लोग मदद करें, लेकिन किसी को भनक न मिले। ये अपराधी प्लान में शामिल थे और ये सिर्फ वाच रख रहे थे। उस दिन सुबह से पुलिस की कहां ड्यूटी थी, ये भी सूत्र से फ्रेंडली मैच में ही पता कर लिया गया था, और ठंड मौसम ने इनके काम को और आसान कर दिया था, ये सूत्र बताते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल अनुकूल मौसम था, क्योंकि ठंड के कारण दुकानें देर से खुलती, अपराधी आ चुके थे, मामला पूरा तैयार था, तावा गर्म था और बस इंतजार था अपराध करने का, इन्होंने कर दिया। लेकिन चुनौती पुलिस प्रशासन सरकार को, बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हम आपको बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराध नियंत्रण की समीक्षा में दरभंगा पर पुरजोर जोर दिया, बल दिया, पूछताछ की, कांड का क्या हुआ। संयोग है कि 72 घंटा के समय तक बहुत सारा उद्भेदन हो चुका था, जिसकी जानकारी दी गई।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शनिवार को अपराध नियंत्रण की बैठक की समीक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसमें दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार के अलावे परमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े भी शामिल थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम भी शामिल थे। इन्होंने फीडबैक दिया, जो प्रगति रिपोर्ट है उसके बारे में बताया और आश्वस्त किया कि अपराधियों का सुराग मिल गया है, पकड़े भी गए हैं, जल्द सामान की बरामदगी भी हो जाएगी। इरेगुलर पुलिसिंग के मैटर पर हुआ है, शराबबंदी पर हुआ है और जो जो मुख्य घटनाएं होती हुई हैं विभिन्न जिलों के, उनके संबंध में चर्चा की गई, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसका फीडबैक सभी जिलों से लिया गया है और निर्देश कुछ कुछ दिए गए हैं सभी जो पुलिस विभाग के तरफ से, होम डिपार्टमेंट तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब तरफ से इस समय कई निर्देश प्राप्त हुए हैं। ऊपर से डायरेक्शन है कि सभी क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाए, संज्ञान बढ़ाया जाए और जो क्राइम सिचुएशन खराब हो रही है, क्रिमिनल रिलेटेड मामले हैं, लिकर के मामले हैं, उन सब पर कड़ाई बढ़ती है। घटना के बाद व्यापारी दहशत में है, विभिन्न व्यापारिक संगठन के लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि जो कार्रवाई है पुलिस की उस पर थोड़ा संतोष और सुकून तो जरूर है व्यापारियों को। व्यापारी इसे अलग अलग रूप में देखते हैं। बड़ा बाजार हो या लहरियासराय सर्राफा बाजार, अन्य व्यवसायी लोग भी काफी दहशत में हैं कि अगर इस तरह की प्लानिंग हो रही थी तो खुफिया तंत्र क्या काम कर रहा था पुलिस का। बहरहाल घटना घट जाने के बाद पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वहां से सक्रिय हुई है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लचर व्यवस्था के कारण, जो सूत्र है उसकी कमजोरी के कारण और लचर यातायात व्यवस्था के कारण अपराधी घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। हमने कई व्यापारियों से बात की और जाना कि क्या मनोस्थिति है इस घटना के बाद और जो 72 घंटे के बाद उद्भेदन का दावा है पुलिस का, उसमें क्या मनोबल बढ़ा है या फिर और उनकी अपेक्षा है। देखिए, ये तो ये घटना हुई, ये बहुत ही मतलब नुकसानदायक है पब्लिक के लिए भी और शहर के लिए भी। हम चाहते हैं कि कम से कम जहाँ भी बड़े बड़े मार्केट हैं तो वहाँ पुलिस की गश्ती हो, जो जब तक दुकान खुले तब तक पुलिस की गश्ती बनी रहे। उससे जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको कम से कम मन में ये डर सा रहेगा कि चलो यहाँ पुलिस की गश्ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें प्रशासन की लापरवाही कही जाए या क्या कहा जाए, ये बहुत दिक्कत हो रही है। इससे व्यापारीगण पूरी तरह से डर चुका है, वो बिल्कुल डर है और इतना बड़ा घटना होने के बाद डर नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है। हम लोगों में खौफ है, कल से हम लोग परेशान हैं और सोच के परेशान है कि किसी भी दिन किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। असंतोष तो है ही, पूरे जितने भी सराफा व्यापारी हैं या जितने भी सोना चांदी का दुकान है, सब डरे सहमे हैं। व्यापार का हालत तो पहले से ही बुरा है और अभी ये सब कांड हो के। क्या कांड हुआ था यहाँ? यहाँ पे कांड, वही लूट कांड हुआ है। क्या कहेंगे, ये प्रशासन की विफलता है और यहाँ बाजार में एक भी प्रशासन की व्यवस्था रहती नहीं है। यहाँ भीड़ भाड़ जगह है, यहाँ पर दिन में 10:30 बजे आके लूट के चले जाते हैं। प्रशासन जो है यहाँ से 10 कदम आगे हैं, वो उनको फोन किया गया तो 1.5 घंटे के बाद आया। प्रशासन के प्रति, व्यवस्था के प्रति आक्रोश, लेकिन संतोष तब जब वरीय पुलिस अधीक्षक ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर
व्यापारियों और जनता को आश्वस्त किया कि सामान की बरामदगी होगी, पूरा प्लान बता दिया जनता के सामने। यह सुनकर व्यापारी खुश भी हैं और सुकून और संतोष भी है और उम्मीद भी। हम लोग प्रशासन के काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रशासन पूरे जी जान से लगे हुए हैं और शाम तक यानी तो कल तक कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। क्या लग रहा है कि अभी तक दो दिन बीत गया है, अभी तक कितना दिन गिरफ्तार हुआ, क्या जानकारी है? 7-8 आदमी की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। क्या मेरी बात है सर कि 10:30 सुबह में, 10:30 सुबह यदि इस तरह का ऑकरेंस हो हम लोग कब तक सुरक्षित रहेंगे? यदि हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन अपने पूरे निष्ठा से काम कर रही है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। अभी किसी तरह का कोई ऐसा बात बोलना अच्छा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि माल बरामद हो जाए, व्यापारी तो सुरक्षित है, थोड़ा भयभीत भी हैं और उम्मीद है प्रशासन से हम लोग को सुरक्षा मिले और जहाँ गुंडा तत्व उसको पकड़े। ज्ञात हुआ है जो उनको बुलाने वाले चाहे और सहयोग करने वाले लोग पकड़े गए हैं जो स्थानीय हैं मदारपुर के दरभंगा के, लेकिन जो जानकारी मिली है उन लोगों के द्वारा जो गैंग बुलाया गया था जो सारे सामान के साथ लूट करके भागा, उसकी वो तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जब तक सामान बरामद नहीं हो वो लोग नहीं पकड़े जाएँ तब तक लोगों का भय कैसे कम होगा? न सामान मिलेगा और न वैसे लोग पकड़े जाएंगे तो अपराध पर तो रोक नहीं लगेगी। बुलाने वाले पकड़ाए हैं, जैसा जानकारी मिला है जो बुलाए हैं चाहे और जो सहयोग किए थे वो लोग पकड़ाए हैं, लेकिन बीच बाजार में दिन दहाड़े इस तरह से गोली चलाने वाले और लूट कर सोना ले जाने वाले लोगों का नहीं पकड़ा जाना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मिश्रित प्रतिक्रिया। दरभंगा नगर निगम के पार्षद और बड़ा बाजार के इलाके में के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व महापौर अजय कुमार जालान थोड़े से संतुष्ट तो दिखाई देते हैं लेकिन कहते हैं कि ये बड़ी घटना है, व्यापारियों की सुरक्षा का सवाल है। कुछ सफलता तो मिली लेकिन पूर्ण सफलता तभी मानेंगे जब सामान की बरामदगी होगी। एसएसपी बाबूराम ने विस्तृत रूप से घटना की जानकारी दी। 72 घंटे के बाद मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि 7 की गिरफ्तारी हो गई, 9 की गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए लगातार छापेमारी जारी है। 9 तारीख को यहाँ दरभंगा शहर में एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। इसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने जिला में एक विशेष टीम का गठन किया था। इसके अलावा हेडक्वार्टर से सीआईडी की टीम, एसटीएफ की टीम और एक्सएसएल की टीम भी लगातार यहाँ कैंप किए हुए थे। संयुक्त रूप से काम करते हुए 3 दिन के अंदर हम लोगों ने कांड के उद्भेदन में सफलता प्राप्त की है और 7 स्थानीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य जो लाइनर है सुनार का काम करता है वो भी शामिल है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि हाजीपुर जिला से 6 अपराधी और जयनगर मधुबनी से 3 अपराधी यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की प्लानिंग 4 महीने पहले से की जा रही थी। जो मुख्य लाइनर है एक सुनार का काम करने वाला, उसी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और जयनगर से एक अपराधी को यहाँ पर बुलाया और अपने मोहल्ले में किराए के कमरे पर रखवाया, लेकिन ये लोग इस घटना को अंजाम देने में सक्षम नहीं हुए। तब इन्होंने हाजीपुर के अपराधियों से संपर्क किया और वहाँ का जो गैंग है वो पहले से ही कई ऐसे मामलों को पहले अंजाम दे चुका है। झारखंड की धनबाद और रांची पुलिस को भी उनकी तलाश है। इसके अलावा स्थानीय थाना भी उनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। उस गैंग को यहाँ पर बुलाया गया 1 महीने से और कई बार उन्होंने आके यहाँ पर रेकी की और पहले से निर्धारित योजना के अनुसार 8 तारीख को ये लोग रात में यहाँ आ गए थे और मदारपुर मोहल्ले में ही इन्होंने रात में कुछ टाइम तक शरण ली। सुबह में 6 बजे अर्ली मॉर्निंग निकल कर फिर से एक बार बाजार की रेकी की और फिर निर्धारित समय पर घटना को अंजाम दिया। आपने सुना बारीकी से किस तरह ने एसएसपी बाबूराम ने घटना का जो प्लान था उसका उद्भेदन किया, लेकिन अब सवाल ये भी जो 7 अपराधी पकड़े गए हैं 72 घंटे के बाद आनन फानन में सरकार के दबाव और जनता के आक्रोश के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 7 अपराधियों को नकाब में पुलिस ने मीडिया के सामने कर के एक तरह से ये आश्वस्त किया कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जब तक सामान की कुछ बरामदगी नहीं हुई तब तक इसे पूर्ण सफलता नहीं मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात, जो अपराधी पिस्तौल लहराते हुए घटना को अंजाम दिया उसमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी बात,
कि जो सामान लूटे गए उसमें से कोई बरामदगी नहीं है, जो जब्त सामान है उसमें दो मोटरसाइकिल तो अपराधी खुद छोड़कर भागे, बाकी जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनके पास से गांजा और पिस्तौल निकालना ये लगातार आम बात है। अब बड़ी उपलब्धि तभी मानी जाएगी जब लूटे गए सामान में पूर्ण या आंशिक बरामदगी हो। जिन अपराधियों ने सरेआम कई राउंड फायरिंग की उसमें से किसी की भी गिरफ्तारी हो, हालांकि इस संदर्भ में एसएसपी का कहना है कि हाजीपुर में छापेमारी की गई, वहां से मनीष सहनी फरार हो गया जो पहले भी कई कांडों में वांटेड रह चुका है। जो सात लोग पकड़े गए दरभंगा के, उसके तीन के बारे में एसएसपी ने ब्रीफ में बताया कि एक जो कन्हैया है वह काम करता था और दुकान करता था, लालच उसे आया। केशव को उसने शामिल किया, भूषण को उसने शामिल किया, भूषण ने संपर्क बताया, लेकिन अन्य जो चार हैं उसके बारे में या तो उन्होंने खुलासा नहीं किया या फिर जो जांच तंत्र है उसे पूरा होने के लिए गोपनीय रखा, तो ये भेग रह गया। हालांकि बीटीएन न्यूज ने उसमें से एक, सात में से एक से बात करने में सफलता प्राप्त की तो उसने अपने आप को निर्दोष बताया। सर शादी था, ठीक है, मालदा ने तो दोस्तों फोटो नहीं खिंचा था, फोटो खिंचाए थे, फोटो के कारण उठा लिया हमको। तो जो अपराधी घटना को अंजाम दिया था वो फोटो में तुम्हारे साथ था क्या? हाँ हाँ सर। क्या नाम था उसका? बीएसएफ पवन। कब मुलाकात हुई थी, मुलाकात कब हुई थी तुम लोग से? मेरा भाई है, चचेरा भाई छोटा। अच्छा, तो कैसे घटना को अंजाम कैसे दिया, कौन प्लान किया था? प्लान हमको नहीं मालूम सर कुछ। सोना चांदी वो सब कहाँ है, किसके पास है, कौन ले गया था? हमको नहीं मालूम सर, कुछ नहीं मालूम हमको, ठीक, वो सब जानता है क्या नहीं है, हमको ना है सर, फंसा दिया हमको जबरदस्ती सर। तो कितने लोगों को जानते हैं आप? भाई मेरा अपना भाई को जानते हैं, पवन को, छोटा मेरा भाई। घटना को कौन अंजाम दिया था, किसके कहने पर हुआ था घटना, ये बताना। हमको नहीं मालूम, पवन घटना में था ना, पट्टा कौन था ना घटना में? हाँ नहीं हमको मालूम है, नहीं है। पवन का भाई यह कहते हुए गुहार लगाते हुए कि सिर्फ फोटो था उसके साथ और उस आधार पर उसे पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस भी विस्तृत रूप से नहीं बता रही है, तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है या अनुसंधान में पुलिस गोपनीय रख रही है। लेकिन पुलिस की सफलता तभी मानी जाएगी जिन छह अपराधी और तीन अपराधी जयनगर के, हाजीपुर के छह और तीन जयनगर मधुबनी के, इन नौ में से एक को भी पुलिस पकड़ करके सामने लाती है और सामान की पूर्ण या आंशिक बरामदगी होती है तो ये सफलता मानी जाएगी, अन्यथा शासन को खुश करने के लिए, जनता के आक्रोश को कम करने के लिए क्या ये नहीं माना जाएगा कि ये जल्दबाजी में 72 घंटे के बाद किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर गोपनीय ही रखना है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन तो लगातार आईजी और एसएसपी दे ही रहे थे कि सूत्र मिल गया है, तो रहस्य उद्घाटन करने की अभी जरूरत संभवतः नहीं थी। हालांकि पुलिस का ब्रीफ है जनता के सामने, ये आंशिक सफलता, लेकिन अगर ये पूर्ण सफलता नहीं मिलती है तो पुनः आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है पुलिस को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर के 96,000 तक
नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार आवास पढ़ा रहे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक सैदनगर एक्मी रोड लहेरा सराय दरभंगा। जिला विधि सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया दरभंगा कोर्ट प्रांगण में। न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए कई बेंच बनाए गए थे। बेनीपुर और बिरौल में भी सुनवाई के लिए कई बेंच बनाए गए थे। कोरोना वायरस के कारण कई महीनों बाद यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह मेडिसिन वैकल्पिक विवाद समाधान सह मध्यस्थता केंद्र में व्यवहार न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से की गई। विभिन्न न्यायालयों में चल रहे आपराधिक एवं दीवानी मामले की भी सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच न्यायालय के गठित किए गए। दीवानी अपील से संबंधित फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय के सभी मामले की सुनवाई की गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित सभी आपराधिक एवं दीवानी मामलों से संबंधित सभी प्रकार के दावे की सुनवाई आपसी समझौते के आधार पर किया गया। घर पे बैठ के आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में, कहीं भी हैं, आप इसके द्वारा अपने केस को सेटल कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे फिजिकल पर्सन होना दोनों पार्टियों का जरूरी था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार ये वर्चुअल कोर्ट से शुरुआत हुआ है, तो इसे हम लोग सब मिलकर आप सबको बनाने की कोशिश करें। जैसे नेचर ऑफ केसेस के हिसाब से बेंच का गठन किया गया है, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग बेंच बना है, क्लेम केसेस के लिए अलग बेंच बना है, वैसे ही टाइटल अपील वगैरह के लिए अलग बेंच बना है। हम लोग सबको देखेंगे उसको, और प्रत्येक बेंच के सदस्य वहाँ अपने असिस्टेंट के सहायता से उसका निष्पादन करेंगे। अदालत में तो होता है पब्लिक अदालत, ऐसी अदालत है जो खुले परिसर में किया जाता है, और यहाँ छोटे छोटे जो मामले हैं लोगों के, उसकी सुनवाई त्वरित गति से होती है, त्वरित निष्पादन होती है। इस कोरोना काल में जो साल भर में हम लोगों ने 4-5 लोक अदालत लगते थे, कोरोना काल के वजह से हम लोग नहीं लगा पाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि ये दूसरा विकल्प क्या होगा कि हम लोग इस पैंडेमिक से, इस इन्फेक्शन से बच के और हम लोग अपना डिस्पोजल भी दिखाए, तो ये बिल्कुल नया प्रयोग था और होने जा रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि अधिक से अधिक केसों का हम लोग निष्पादन करेंगे। जो है पहली बार वर्चुअल मोड में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पार्टी चाहे जहाँ रहे, दोनों पक्ष का चाहे जहाँ रहे, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे भी रहते हैं, तो उससे केस के निष्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको जो है एक लिंक गई है, या वहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है ऑलरेडी हम लोग प्री काउंसलिंग कर रहे हैं दिनांक 1 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक उनको लिंक गई है। वो उस लिंक पर एक OTP शेयर करेंगे हम लोग, OTP को वो जैसे ही सबमिट करेंगे ये माना जाएगा कि उनका कॉन्सेंट आ गया है, और हम लोग इस बात का निष्पादन करेंगे। इसलिए COVID-19 वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य विभाग पटना के मनोज कुमार ने COVID-19 को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर NIC रूम से सिविल सर्जन सहित कई स्वास्थ्य पदाधिकारी मौजूद थे। COVID-19 के वैक्सीन की गाइडलाइन तैयारियों से संबंधित तमाम बातों से उन्हें अवगत कराया गया। जो वैक्सीन हमारा कोविड वैक्सीन रखा जाएगा जहाँ भी पोर्टल पॉइंट थे, उसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग का भी फीचर हमारे कोविन मॉड्यूल में होगा। वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, अभी जैसे हम लोग एक्सल बेस्ड टेम्पलेट बेस्ड वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आगे चलकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन बेस पर भी अलाउ किया जाए भारत सरकार द्वारा, तभी अलाउ सब लोग कर पाएंगे। शहरों की साफ सफाई को लेकर लगातार चल रहे कार्यक्रम के मद्देनजर वाद विवाद का आयोजन किया गया।
दरभंगा संग्रहालय में। इस अवसर पर बुद्धिजीवियों के बीच भी एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त मणेश मीना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू किए थे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज पहले से था कि हम लोगों को सिटीजन्स को एंगेज तो करना है, साथ में सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है। जैसा कि अभी आपके द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि जब तक सुविधा हम लोग नहीं देंगे तब तक सिटीजन से कोऑपरेशन के हम लोग केवल उम्मीद नहीं कर सकते। तो दोनों चीज पर साथ ही साथ काम करना जरूरी होता है। जब भी कोई चीज हम सिटीजन से डिमांड करते हैं तो सिटीजन्स को भी अपेक्षा रहता है कि हमको भी ये चीज मिलना चाहिए, और सिटीजन्स ही सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम को सिटीजन से बाहर का नहीं। हम लोग कभी कभी इस सोच में रहते हैं कि ये सारा काम तो किसी और आदमी का है, ये नगर निगम का काम है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये जिला प्रशासन का काम है, ये यूनिवर्सिटी का काम है, ये पार्क मैनेजमेंट किसी और का काम है, और उसी चक्कर में हम लोग बस फिंगर पॉइंटिंग में रहते हैं। अब जब बात फिंगर पॉइंटिंग की हो जाती है तो फिर हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि तीन फिंगर मेरी तरफ भी है, और वो तीन फिंगर जब मेरी तरफ है उसको जब हम एक बार नहीं निकालेंगे तब तक हम सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में कौन है? आप और हम जैसे लोग हैं, सिस्टम में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। लेकिन सिस्टम में जो भी व्यक्ति हैं सड़क पर जब वो काम करने उतरते हैं तो उनको नाना प्रकार की परेशानियां कई बार झेलनी पड़ती हैं। श्याल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवी संस्थान पंचोव की ओर से गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विमल कुमार चौधरी ने फीता काट कर किया। उन्होंने बताया कि मानव सेवा धर्म है और 27 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा करते आ रहे हैं। इस मौके पर संस्थान के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी, मुखिया राजीव चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कितने लोगों को आज कंबल दिया जाएगा? 600 आदमी के। 600 हमारे माता पिताजी नाम पर एक संस्थान खोले हुए हैं, श्याल विमल स्वास्थ्य सेवा समाज। इसके माध्यम से हम लोग अपने समाज से और पूरे मानवता के साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी कभी उन लोगों की कोई भी दुख की घड़ी आती है, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में करीब 20% लोग जो हैं सो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि जो उनकी मंथली आमदनी 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब हुआ कि 40 रुपये से ज़्यादा वो नहीं कमाते हैं। अब कैसे अपना जो आवश्यक आवश्यकता है, जो वस्त्र है, जो आवास है, जो भोजन है, उसकी कैसे पूर्ति करेंगे? ये ठंडे का मौसम है, ठंडे के मौसम में हम चाहते हैं उनका दुख कुछ कम करें। भाई हमारे बहुत समाज सेवा में हरदम लागल रहे थे, हमारे भाई के विदेश में नौकरी भेल छलन है, डॉक्टर से विदेश से पढ़ियो के आयल छलन है, लेकिन अपन समाज के सेवा करवा द्वारे एतो जे हम नहीं, हम अपन गांव में अपन जहन डॉक्टरी पढ़लों है तहन अपन गाँवक लोग के ने सेवा करब, अपन समाज के लोग के ने सेवा करबे तो वैसे की फायदा जो हम विदेश में रहकर बहुत पाई कमाए बहुत आलिशान रहो। तो साल में 2-3 बेर भी अपन एहन काज सब करे छे जे गरीब से गरीब तबका के लोग के फायदा हो। पिछला 27 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। जाड़े के समय इलाके के दिव्यांगों, विधवा, अपाहिज, एकदम निसहाय गरीब, ऐसे लोगों का चयन करीब 16-17 पंचायत में हम लोग करवाते हैं, और उसमें से जो लोग आते हैं तो उन लोगों को जाड़े के समय में जाड़े से बचाव के लिए कंबल दे के उनको मदद करते हैं। इसी तरीका से हर साल बाढ़ के समय में मेडिकल का मेगा शिविर भी लगाते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो हमारे बड़े भाई साहब हैं और संस्था के चेयरमैन भी हैं, उनके पूरा टीम रहता है, हर विभाग के डॉक्टर, पैथोलॉजी टीम, उसमें भी हम लोग जो परमानेंट दवाई खाने वाले आदमी हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दमा, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे लोगों को 100 दिन का दवाई फ्री में देते हैं, और जो तत्कालिक बीमार रहता है उसको जो डॉक्टर लिखते हैं, जो पैथोलॉजी जांच से रिपोर्ट आता है उसके आधार पर जो दवाई होता है पूरा वक्ती दवाई के साथ उसको मदद करते हैं।